क्या हुआ छन ऐसा कुछ छुटा हुआ था, मैं जो छन छन नहीं छोड़ता वही तार तो उतन था उधर में। तो आज की राइड शुरू हो चुकी है हमारी। अभी तो चलिए गाइस, राइड शुरू हो चुकी है हमारी। तो गाइस हम जा रहे हैं आज यहाँ से नीति बहली की तरफ। तो नीति बहली में एग्जैक्ट लोकेशन है हमारा सुराई टोटा जाना है आज मैच देखने के लिए। भाई लोगों का मैच है, तो देख सकते हो आप मौसम आज बिल्कुल चकाचक है, रंगीला है, मज़ेदार मौसम है, सामने बर्फ़ भी पड़ी हुई ज़बरदस्त। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर बड़ागांव में। तो ये मैंने न जाने कितने वीडियोज़ में कह दिया है, क्योंकि ये हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, इसलिए। तो मेरा इस वैली में जाना बहुत बार होता है, लगभग आपको मेरी ज़्यादा 50% से ज़्यादा वीडियोस यहीं वैली की होगी, क्योंकि हम इसी वैली के निवासी हैं। तो गाड़ी को कर लिया जाए यहाँ से न्यूट्रल, तेल भी बचाना है, काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है, लगभग 86-87 रुपये पर लीटर जा चुका है तेल। तो क्या हो रहा है यार, ये कुछ तो ज़रा कम कर दो यार सरकार। हम गाड़ी वाले पूरे लूट चुके हैं, बाइक वाले खास करके, कार वाले भी, जिनका पेट्रोल का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कॉलिंग चल रही है टूरिस्टों के। तो इस सीज़न में आजकल टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विजिट करते हैं जोशीमठ में। तो जोशीमठ क्योंकि काफ़ी खूबसूरत प्लेस है आपका, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हो काफ़ी सस्ते कॉस्ट में। पहाड़ों में एक फ़ायदा है सिर्फ, कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल चलती है आराम से, जहाँ पे डाउन है आप बिल्कुल आराम से तेल बचा सकते हो। खास करके ये है सिर्फ बाइक वालों के, कार वाले बेचारे कहाँ से न्यूट्रल करें, ब्रेक नहीं लगेगा उनका, इस वजह से दुर्घटना हो सकती है कारों में। पर लेकिन बाइक में आप काफ़ी आसानी से न्यूट्रल कर सकते हो और मज़े से राइड को इंजॉय कर सकते हो सस्ते में। चलिए गाइज, हम तपोवन पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग? अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं तपोवन में। अभी हम यहाँ पे मोमोज पैक करने के लिए आए हुए हैं, मोमोज लेके जाएंगे वहाँ मैच में, देखते देखते मोमोज का भी आनंद लिया जाएगा। तो चलते हैं, मोमोज होटल ढूंढे अभी हमने, एक चकलोजी होटल है वहाँ, तो अभी बंद पड़ा है वो होटल, तो अभी हम दूसरे होटल में जा रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब हमारे गाइड कर रहे हैं हमें। तो मोमोज हैं बल यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मोमोज पैक करवाएंगे और मिलते हैं आपको सीधा इसके बाद मोटो ब्लॉगिंग के दौरान। चलिए, तो रुको, अभी हम मोटो ब्लॉगिंग में नहीं, अभी तो हम यहाँ पे मिल रहे हैं दोबारा आपसे। मोमोज अभी पैक हो रहे हैं, भाई भी हमारे पैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा डील हुआ था कि जहाँ से हमारा घर है वहाँ से हमें जहाँ मैच देखने जाना है वहाँ से है लगभग 30 या 35 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसा सीन है कि गाड़ी रहेगी मेरी, पेट्रोल मेरा रहेगा और जो खाना पीना रहेगा ये भाई जी का रहेगा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था। तो अभी पूरा डील बराबर का है, कोई किसी को नुकसान नहीं होने का। तो अब मिलते हैं सीधा, भाई जी ने मोमो पैक कर लिया, तो अब मिलते हैं आपको सीधा मोटो ब्लॉगिंग के दौरान।
तो अब निकलते हैं यहाँ से, तपोवन को अलविदा करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो तपोवन से ऊपर की पूरी नीति वैली है उनका मेन मार्केट तपोवन ही है। तपोवन में उनको लगभग हर चीज़ परचेज यहीं से कर लेते हैं वो। अगर जो चीज़ आपको उनको जो चीज़ उनको नहीं मिल पाता है तब जाके वो जोशीमठ जाते हैं। तो इनकी मतलब ये तपोवन भी कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, लगभग थोड़ा ठीक मार्केट है। तो देख सकते हो यहाँ से ऊपर रंगी विलेज है, इनका मार्केट भी मेन मार्केट तपोवन ही। तो लगभग यहाँ से ऊपर मेनली आपका एक भूतिया ट्राइब निवास करती है यहाँ से ऊपर। थोड़ा ऑफ रोडिंग कर लेते हैं और ऑफ रोडिंग का पैच भी चले जा चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे ताला तो नहीं लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हुआ पड़ा है यहाँ पे रोडों पे। तो थोड़ा थोड़ा ही पैच है, ज़्यादा नहीं है। वैसे ऐसे पैचेस कम मिलेंगे आपको इस रोड पे ऊपर नीति वैली के साइड रोड, जो काफ़ी बेहतर बनाया गया क्योंकि यहाँ पे है जो बॉर्डर एरिया है, इस वजह से काफ़ी बेहतर रोड बनाया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी हैवी हैवी ट्रकेज भी आती हैं, आर्मी के ट्रक होते हैं, ग्रिप के ट्रक होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा लोड सामान जाता है, तो काफ़ी हैवी लोड पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छी बनाई जाती है विशेषकर की बॉर्डर एरियाज में। तो ऑफ रोडिंग में थोड़ा संभाल के चलते हैं। ओल्ड ब्रिज ओनली वन व्हीकल एट वन टाइम, तो एक टाइम पे एक ही व्हीकल आपका इस ब्रिज में आ सकता है क्योंकि इस ब्रिज की मियाद मतलब दैट्स कॉल उम्र जा चुकी है। क्या हुआ छन, मतलब कुछ छुटा हुआ था, मतलब जो छन छन नहीं छोड़ता वही तार टूटन था उधर में, तार भी हो सकता है यार, आई थिंक कुछ तो स्प्रिंग वाली आवाज आई। ओके तार, अच्छा मैं तो थोड़ा डर चुका था, मैंने कहा कहीं घर नहीं होता। हाँ तो वही तो नहीं छुटा है, वैसे और नहीं आया। हाँ वही आया ना सेम आवाज। हाँ मैंने वही सोचा क्या था वो, क्या है बस वो शायद एबीएस का आवाज आया यार। क्या सोचा एबीएस घर गया था? नहीं नहीं। हाँ। तो मैंने कहा कुछ होगा वो स्प्रिंग, क्या पता अंदर कुछ था होगा ब्रेक पे, मैंने कहा कुछ निकल गया होगा। तो ब्रिज के सारे सामान आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रिज बन नहीं पा रहा है क्योंकि जो आपका लैंड है वो थोड़ा धसक रहा है नीचे की तरफ, तो ब्रिज का काम रुक चुका है, लेकिन ब्रिज वैसे जल्दी बन जाना चाहिए वरना उस ओल्ड ब्रिज का कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। कोई ज़्यादा हैवी व्हीकल आ गया तो वो कभी भी धोखा दे सकता है ब्रिज थोड़ा सा ना। यह ऊपर भाई बंद मुझे जरूर मिलेंगे बेटा, पंगा ले रहा हूं पप्पी। कितना क्यूट सा कुत्ता था। तो देख सकते हो ये है यहाँ पे नीचे धौली गंगा, जिसे हम पश्चिमी धौली गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये निकलती है आपके सीधा रत्ता कोना, जो कि आपका रत्ता कोना एक जगह का नाम है, वहां से निकलती है ये नदी। तो सामने बोर्ड लगा हुआ है नीति 55 किलोमीटर मलाई 32 सुमना 58 और गिरथी डोबला 31 आई थिंक या 51 किलोमीटर है सॉरी। तो गिरथी डोबला तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ नाम, आई थिंक कोई बॉर्डर होगा, सुमना के बाद का बॉर्डर है आई थिंक ये करम भूमि। ये है गिरी फॉलो की करम भूमि यहाँ पे, इसलिए इसका नाम करम भूमि रखा गया है इन्होंने।
ओके मैच हो रहा है वहाँ पे, हमको गाड़ी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देख सकते हो आप काफ़ी रोमांचक ग्राउंड है आई थिंक, तो मज़ा आने वाला है आई थिंक आज, इतनी ज़्यादा क्राउड। तो ये अपने सब जानी पहचानी गाड़ियों, तो वेल गाइस अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं क्रिकेट देखने के लिए। तो हमारी गाड़ी हमने ऊपर रोड पे खड़ी कर ली है, यहाँ से ऊपर आपका रोड है यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है आपके उतने दूर पे, तो ज़्यादा दूरी नहीं है रोड से, तो आराम से, हम तो पहाड़ी बंदे वैसे भी इतना तो नॉर्मल है हमारे लिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा क्रिकेट ग्राउंड की ओर।